वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों के शुरुआती दौर में खासतौर से 1930 और 40 के दशक में ऐसे कई कलाकार, फिल्मकार, गायक, संगीतकार रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट इन फिल्मी हस्तियों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस श्रृंखला में आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत की एक ऐसी हस्ती को जिन्होंने अभिनेत्री के रूप में फिल्म जीवन की शुरुआत की और बाद में निर्माता बनी। 1930 के दशक की ये लोकप्रिय नायिका हैं आशालता विश्वास। वो संगीतकार अनिल विश्वास की पहली पत्नी थी। उनका जन्म 1917 में भुज गुजरात में हुआ था। आशालता 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण भुज से वो काम की तलाश में मुंबई आ गई थी। बचपन से ही वो फिल्मों में काम करने की इच्छुक थी, हालांकि उनका परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन किसी तरह वो अपनी माँ को समझाने में सफल हो गईं और 1934 में शक्ति मूवी टोन में शामिल हो गईं। उनका नाम भैरुनिशा था। शक्ति मूवी टोन में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर आशालता रख लिया। 1935 में शक्ति मूवी टोन के बैनर पर उनकी 3 फिल्में प्रदर्शित हुईं। पहली फिल्म थी आजादी। इसके बाद उन्होंने सजीव मूर्ति और सती तोरल फिल्म में भी काम किया। उन्होंने दूसरी फिल्म कंपनियों के लिए भी काम किया था। 1940 और 1950 के दशक में वो हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभिनेत्री थी। आशालता ने ग्लैमरस सितारों वाले साबुन लक्स बाथ के विज्ञापन में भी अपनी खूबसूरती का परचम लहराया था। उन्होंने उस समय के प्रमुख स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के लिए 1944 में 4 आँखें और उसी साल प्रभात फिल्म्स के लिए स्वर्ण भूमि फिल्म में काम किया। आशालता ने 1936 में मनमोहन, 1938 में ज्वाला और 1940 में आई फिल्म सुहाग में लीड और सेकंड लीड के रूप में कई तरह की भूमिकाएं की। 1940 में उन्होंने दीपक फिल्म में पृथ्वीराज कपूर के साथ अभिनय किया था। 1945 में वो मोहन भगनानी की फिल्म 20वीं सदी और 1949 में मैं अबला नहीं हूँ इस फिल्म में नजर आई। वैरायटी पिक्चर्स के बैनर तले आशालता विश्वास ने अपने पति अनिल विश्वास के साथ कई फिल्मों का निर्माण भी किया, जिनमें से 1949 की लाडली, 1950 की लाजवाब और 1953 की फिल्म हमदर्द सबसे ज्यादा कामयाब रही। 1954 में अनिल विश्वास से उनका तलाक हो गया और कुछ साल बाद अनिल विश्वास ने गायिका मीना कपूर से शादी कर ली। आशालता ने 1965 में फिल्म श्रीमान फंटूश में किशोर कुमार की मां का रोल निभाया था। 1966 में उन्होंने फिल्म बिरादरी में काम किया। 26 मई 1992 को आशालता विश्वास का निधन हो गया। आशालता के बेटे अमर विश्वास और उत्पल विश्वास ने अमर उत्पल संगीतकार जोड़ी के रूप में कई फिल्मों में संगीत दिया है, जिनमें 1988 की फिल्म शहंशाह, 1993 की फिल्म मैं आजाद हूँ, 1994 की फिल्म घर की इज्जत जैसी फिल्में शामिल हैं। आशालता की नातिन परोमिता वोहरा एक जानी मानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट।